नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्श अंसारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र थाने में एक इमारत में लगी आग, बिजली के 24 मीटर बॉक्स जलकर खाक। देश में जारी रहेगा EVS आरक्षण, 10% रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। EWS कोर्ट के वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज 5 जजों के बीच में सुनवाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र थाने में एक इमारत में लगी आग, बिजली के 24 मीटर बॉक्स जलकर खाक। जी हां, महाराष्ट्र के थाने में सोमवार को 20 मंजिला एक आवासीय इमारत के बिजली मीटर के कक्ष में भीषण आग लग गई। थाने नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया कि बलकुम इलाके के स्थित इमारत में तड़के आग लग गई। जी हां, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि परिसर में लगे बिजली के कुल 75 मीटर बॉक्स में से 24 आग में नष्ट हो गए। जी हां, उन्होंने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद इमारत की बिजली आपूर्ति काट दी गई। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय दल कर्मियों तथा RDMC का एक दल मौके पर पहुंचा और करीब 1.5 घंटे में आग पर काबू पा गया। जी हां, उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है। देश में जारी रहेगा EVS आरक्षण, 10% रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले और सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EVS के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने EVS आरक्षण को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ नहीं बताया है। जी हां, 10% मिलता रहेगा आरक्षण, 50% से अधिक आरक्षण होने पर EVS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसे केंद्र सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सर्वनों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता रहेगा। जी हां, 3 जजों ने समर्थन में सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 10% EVS आरक्षण प्रदान किया गया है। जी हां, 5 में से 3 जजों ने अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, जबकि 2 जजों ने इस पर असहमति जताई। समाचार एजेंसी के मुताबिक बेंच के जज निदेश माहेश्वरी बेला त्रिवेदी और JB पारदीवाला ने EVS संशोधन को बरकरार रखा है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय यू ललित को जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति व्यक्त की है। जी हां, EVS संशोधन को बरकरार रखने के पक्ष में निर्णय 2-3 के अनुपात में हुआ। EWS कोटे की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आज 5 जजों के बेंच में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट अधिक आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। EWS कोटे के वैधता को चुनौती देने वाले कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जी हां, मुख्य न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या EWS कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है। जी हां, शीर्ष अदालत में संविधान के 103वें संशोधन को चुनौती दी गई, जिसके जरिए EWS कोटे का प्रावधान किया गया है। मामले में नवीनतम वाद सूची के अनुसार संविधान पीठ की ओर से 1 से ज्यादा फैसला सुनाए जाने की संभावना है। 2019 में लागू किए गए EWS कोटे को तमिलनाडु की सत्ताधिकारी पार्टी DMK समेत कई याचिकाओं ने संविधान के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 जजों के बेंच ने की सुनवाई, जिस पर 7 दिनों तक चली सुनवाई के बाद बेंच ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जी हां, 8 नवंबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, इससे पहले चीफ जस्टिस की बेंच फैसला सुना सकती है। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा इस रविंद्र भट्ट, दिनेश माहेश्वरी, JB पारदीवाला और बेला M त्रिवेदी शामिल है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया आरक्षण केंद्र सरकार ने 2019 में संसद में 103वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित कर
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। इससे संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर हाइकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।